दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं सभी का एक बार से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं रामपुर घाट के पास हूं और अभी मैं बोर्ड पे आ गया हूं क्योंकि बोर्ड ये निकलने वाला है, बस तुरंत ही निकलने वाला है। बस एक कोई व्यक्ति रह गया, छूट गया है, वो सामने देख सकते हैं आप लोग। वो लोग जैसे ही आते हैं तो ये बोर्ड निकलेगा। तो दोस्तों आपसे जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये अभी देख रहे हैं सामने पुल, यहाँ पर था पुल हटाया गया है, मतलब हट गया है, हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी बारिश तो शुरू नहीं हुआ है, अपने यूपी में बारिश नहीं हो रहा है, फिर भी पहले तोड़ा गया है क्योंकि बारिश जब भी आता है उसके पहले पुल तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिलहाल दोस्तों देखिए इस तरह से बोर्ड के माध्यम से सब लोग जाते हैं। ये देखिए पानी में आना पड़ता है, इसके बाद ऊपर आएंगे बोर्ड पे। तो अभी तो करीब 2-4 महीने सबको दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी पुल तोड़ा गया है, तो बोर्ड के माध्यम से जब भी आएंगे तो पानी उतर के ही आपको ऊपर बोर्ड पर चढ़ना पड़ता है। ठीक है, और आसपास का लोकेशन दिखाऊंगा दोस्तों। काफ़ी प्यारा व्यू है, देख रहे हैं बादल, काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं सभी लोग आ गए हैं और बस ये कुछ ही टाइम में बस ये बोर्ड निकलने वाला है और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ से बोर्ड निकल रहा है। और दोस्तों आपसे जानकारी बताना चाहूँगा, मैं मिर्ज़ापुर से किसी काम से वापस आ रहा था तो मैंने सोचा चलते हैं रामपुर से होते हुए, तो यहाँ पर जैसे ही आया पता चला कि पुल तोड़ दिया गया है। फिलहाल दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ से बोर्ड को निकाल दिया गया है। और दोस्तों अगर आप लोग रामपुर सोच रहे हैं पुल से आएंगे जाएंगे, तो अभी आप सभी की जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूं कि रामपुर का पुल तोड़ दिया गया है। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब भी बारिश आता है, हर साल बारिश आने से पहले ही पुल तोड़ा जाता है। ठीक है, और जब आएंगे तो देखिए पुल होता है तो आप कार से, कुछ लोग कार से, कुछ लोग ऑटो से, या जैसे भी भदोही या मिर्ज़ापुर आते हैं जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये पुल तोड़ा जाता है तो सिर्फ बाइक से, पैदल, साइकिल से, बस यही मोस्टली ऑप्शन है, बाकी और कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग निकल गए हैं और यहाँ देख रहे हैं दूसरा बोर्ड चला जा रहा है, वो भी मतलब एक उस साइड चला रहा है, दूसरा इस साइड से जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यही है कि दो बोर्ड चलाया जा रहा है और देख रहे हैं काफ़ी साफ क्लीन पानी दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और काफ़ी डर भी लग रहा है क्योंकि ओवरलोड एक तरह से कह सकते हैं है, ये देख रहा है बहुत सारा बाइक है और यहाँ पर लगभग देखा जाए 20 लोग बैठे हैं इस बोट पे। चलिए फिलहाल दोस्तों आप सभी को मैंने यहाँ का जानकारी जो दिया है, उम्मीद करता हूँ सभी पसंद आया है। बाकी हम घर पे पहुँचते हैं क्योंकि हम भी थके हारे हैं, घर पे पहुँच के बात करते हैं। दोस्तों आप सभी बताना चाहूँगा, मैं मिर्ज़ापुर किसी काम से गया था और वापस रामपुर घाट के साइड से आना चाहा तो मुझे पता चला कि वहाँ का पुल तोड़ा गया है। तो मुझे लगा चलिए आप सभी को दिखाया जाए, बताया जाए और सभी को जानकारी दिया जाए। तो दोस्तों आगे आप सभी को दिखाया कि मैं कैसे आया हूँ चल के। ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड चलाया जा रहा है तो उस बोर्ड के माध्यम से मैं घर तक आया हूँ। तो दोस्तों जो भी आप सभी को जानकारी दिया है इस वीडियो में, आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं अपने भदोही जिले का वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।